दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों जस्ट अभी छत पे आया, सुबह 10 करीब बज रहे हैं और मेरा एक 5 दिन से भटक रहा है कबूतर, ये अभी वापस बैठा हुआ दिखा मेरे को ऊपर छत पे। और मैं कहा चलिए एक छोटा सा वीडियो बनाएं कि कबूतर की जो नस्ल वाले कबूतर होते हैं, चाहे कुछ हो जाए वापस ज़रूर करते हैं घर के अंदर। ये ऊपर बैठा के एकदम भग गया था तेज़, सिर्फ इस छत पर बैठा हुआ है ये। इसके अलावा कभी उड़ाया नहीं था उस कबूतर को, ना कभी भगाया था, सिर्फ ये ऊपर नीचे ऊपर से नीचे जो आप देखते हैं कई बार बाहर निकालते हैं वह ऊपर नीचे होता था, तो ये भग रहा था। तो आज ये देखा है कबूतर, तो अपन खुलते हैं और देखते हैं कि उतरता है कि नहीं, क्योंकि हवाएं भी तेज़ चल रही हैं, बारिश का सीज़न चल रहा है, तो हवाओं के साथ साथ सीधे आएगा नहीं वो मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 दिन से भटक रहा है वो उड़ता हुआ दिखता है। लेकिन आज यहाँ पे बैठा हुआ दिखा मेरे को, तो मैंने कहा चलिए बताते हैं, आके फिर इसका शौक भी कराता हूँ मैं आपको। ये सारे कबूतर अपने खुल दिए और मेरे को तो उतारना भी नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये कबूतर अपने आप आता है तो ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी कबूतरी आई थी, तो मैंने हल्के हाल वीडियो बना के ग्रुप में डाली थी, तो जैन भाई की थी, तो वो आए नहीं कोई भी, तो हमने एक दोस्त को ऐसे ही वो कबूतरी दे दी थी, साथ में इंगनाल लगा के जोड़ बना के एक दोस्त को दे दी वो। ये सारे कबूतर खुल चुके, लेकिन साहब जी वहीं बैठे हुए डटे हुए हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे नीचे आने की वो। तो ये खोले चलिए अपन, नरों को उस तरह के कुछ जोड़े हैं वो खोल के आपको शौक करवाते हैं उसका। और ये आएंगे तो दिखाता हूँ मैं आपको, इसका शौक कराऊंगा। बहुत दिनों बाद दिखने में आई है, तो दिल में खुशी होती है। अपना घर का कबूतर बच्चे से लेके बड़ा हुआ तक जो पलता है, फिर भाग जाता है और फिर वापसी करता है कुछ दिनों बाद, तब उसकी वापसी का नज़ारा ही अलग होता है। तो ये साइड कुछ ब्रीडर पेड़ में इनको खोल लेता हूँ मैं। तो ये कुछ ब्रीडर पेड़ से 7-8 बच्चे वगैरह सब इधर ही पल रहे हैं। एक ये हमारे काश्ती कबूतर जो बहुत बेहतरीन उड़ान दे रहा था गर्मियों में, जिसकी टांग टूट गई थी जाल में लग के, तो अभी बेचारा लंगड़ा हो गया, इसकी टांग काटना पड़ी। दोस्तों अभी वहीं पे बैठा है। दोस्तों एक बात वो बताना चाहूँगा, ये कबूतर जो भग जाते हैं उसके बाद जब वापसी करते हैं 5 दिन बाद 7 दिन बाद, तो इनको कुछ दिन का रेस्ट दे के जब उड़ाएंगे आप, तो इतनी बेहतरीन परवाज़ दिखाएंगे वो, इतनी बेहतरीन परवाज़, क्योंकि इनकी बॉडी बन चुकी होती है। जब ये पूरी तरह वापसी करते हैं तो ये पूरे ख़त्म होकर वापसी करते हैं, मतलब फैट का 1% भी इनके अंदर फैट नहीं रहता, सिर्फ मसल से मसल बचती है, क्योंकि वो सब यूटिलाइज़ कर चुके होते हैं एनर्जी लेने के लिए बॉडी के अंदर, बॉडी के एनर्जी के लिए यूटिलाइज़ कर चुके होते हैं सारे फैट्स। तो ये नस्ल का कबूतर है वो, इसका भाई है वो जो भगा हुआ है, एक ये और ये सब भाई हैं, 3 हैं ये अभी, एक गेरा और एक ऊपर बैठा हुआ है कंगेरा। ये इनका बाप अलग था और जो भगा हुआ है या ये है, इनका बाप दूसरा है, माँ सेम है, जो आपको कई बार दिखा चुका हूँ मैं। एक छोटी सी कबूतरी है मेरे पास जिससे मेरी कल्चरी की नस्ल बनी हुई है पूरी पूरी, तो वो है। बाकी दाने डाल के और देखते हैं अपन कि दाने पे आता है कि नहीं है। तो अपन ने थोड़े से दाने डालें ताकि कबूतर खाएँ भी सही, तो उनको देख के वो कबूतर उतर सके। वो बिल्कुल बहुत दूर बैठा हुआ है तो वापस ही आएगा, क्योंकि जब घर पे आया वापस तो अब कहीं नहीं जाएगा वो। ये बैठा हुआ कोने पे, अब देखिए खड़ा हो चुका है दाना देख के, वरना बैठा हुआ था वो, रेस्टिंग पोजीशन में था, अब थोड़ा एक्टिव पोजीशन में आ गया है। आ जा बेटा, आ जा, आओ, अब जोर से चिल्ला भी नहीं सकता साहब, सारे मोहल्ले वाले हैं। आ गया, ये आ गया, देखिए ये आ गया, ये आ चुका है हमारा कबूतर। तो ये है वो कबूतर, चलिए मैं इसकी आँख वगैरह का शौक करा दूँ, जो 5 दिन के बाद आया आज। तो आप देख सकते हैं ये
इसकी आपको शो कराता हूं। दोस्तों ये वो कबूतर है जो पांचवे दिन पूरा करके, कल पांच दिन शाम को पूरे हो गए थे इसके, और आज ये कबूतर वापस आया है। तो ये रामपुरी और टोंक वालों का अपन का क्रॉस है, इसकी आग देख सकते हैं। ये नोकली का पट्टा है अपने घर का ही, और ये पर हैं इसके, नवी कली आई है पूरी अभी। और इस साइड के पर देख लीजिए, ये पर हैं इसके, और बिल्कुल लाइट वेट है, और अभी भी छुड़ाने की कर रहा है। पंजे देखिए, ये पंजे देखिए आप, अभी भी ताकत लगा रहा है, अभी भी ताकत लगा रहा है। तो ये वो कबूतर है। तो दोस्तों कबूतर जो होता है नस्ल से वापस आता है, और जो उड़ान भरता है वो परों से भरता है। उड़ान के लिए पर होना ज़रूरी है, पर बेहतरीन पर होना ज़रूरी है, और वापसी के लिए नस्ल होना ज़रूरी है। कि अगर ये कबूतर दाने पे गिर जाता कहीं पे, तो नस्ल से बेकार माना जाता, सबसे बेकार उसकी हद होती है। और अगर पानी पे गिरता तो उससे कम नस्ला, मतलब सबसे जो बेकार नस्ल है वो सिर्फ पानी को देखते ही सीधे गिर जाना, और फिर दाने को देख के और फिर अपने आप गिर जाना। तो कई अलग अलग ये वो रहते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।